नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। सेक्स कांड में फंसे पूर्व मंत्री की पत्नी ने आज तक पर बड़ा बयान दिया। आज तक से संदीप की पत्नी ऋतु ने कहा कि उनके पति निर्दोष हैं और वो कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगी। संदीप की पत्नी ने कहा कि उनके परिवार के खिलाफ साजिश रची गई है। संदीप कुमार मंत्री थे आम आदमी पार्टी में, दिल्ली सरकार में। उन्हें पहले मंत्री पद से हटाया गया, फिर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाई दिया गया। अब वो पुलिस की गिरफ्त में है, रेप का केस उन पर दर्ज है। लेकिन इन सब के बावजूद जब आज तक के कैमरे पर ऋतु सामने आई तो उन्होंने ये कहा कि उनके पति निर्दोष हैं और पूरा परिवार उनके साथ है। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की पत्नी ऋतु मौजूद हैं। ऋतु जी, जो भी आरोप आपके पति संदीप कुमार पर लगे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितनी सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ। हमारा केस कोर्ट में चलेगा, जैसा भी होगा वैसा। हमारा पूरा परिवार, मैं संदीप के साथ हूँ। आपके सामने जो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी बहुत जल्दी। क्या लगता है कि जो भी सीडी की सत्यता है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस मैं ये बताऊंगी कि हमारे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया, तो ये सबके सामने आएगा। हम सच्चाई के साथ हैं, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इस लड़ाई को आप लोग कहाँ तक लेकर जाएंगी, जो आप षड्यंत्र की बात कर रही हैं? देखिए, अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकती इस बारे में, बस हमारा परिवार और मैं उनके साथ हूँ बस। एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने इस तरीके से उनको तुरंत इस पार्टी से निकाल दिया, कितना सही मानती है? क्या जल्दबाजी में है या क्या है ये कदम उनका पार्टी का? जी, पार्टी के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगी। अभी मैं सिर्फ अपने हस्बैंड की और अपनी फैमिली की ध्यान रख रही हूँ और मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। आखिरी सवाल, निर्दोष मानती हैं पति को? जी, मैं अपने पति के साथ हूँ, मेरे पति निर्दोष हैं। आखिरी समय तक मैं उनके साथ रहूंगी, चाहे जैसा भी समय होगा, सच्चाई सबके सामने आएगी। तो ये हैं संदीप कुमार की पत्नी ऋतु, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपने पति के पूरी तरह साथ हैं और अंत तक पति का साथ देंगी। उनका कहना है कि उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया है और ये जो सच्चाई है ये सबके सामने आके रहेगी। फिलहाल कहीं ना कहीं जो संदीप कुमार हैं उनके ऊपर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। सेक्स सीडी कांड में फंसे पूर्व मंत्री संदीप कुमार से दिल्ली पुलिस ने मैराथन पूछताछ की। शनिवार रात गिरफ्तार हुए संदीप कुमार से दिल्ली पुलिस ने करीब 12 घंटे की पूछताछ की, जिसमें संदीप ने खुद को निर्दोष बताया। किसी ने ठीक ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। कल तक केजरीवाल के नौरत्नों में शामिल संदीप कुमार के सितारे गर्दिश में आ गए हैं। पहले पार्टी ने किनारा किया, अब पुलिस की पूछताछ हो रही है। संदीप कुमार से पुलिस ने करीब 12 घंटे तक पूछताछ की। संदीप कुमार ने कहा, सीडी में दिख रहा शख्स मैं नहीं हूँ, मेरे खिलाफ ये राजनीतिक साजिश है, मेरी छवि को खराब करने की कोशिश है। ये वीडियो को फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजा जाना चाहिए। मैंने शारीरिक संबंध बनाने के लिए किसी पर दबाव नहीं डाला। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार से कई घंटों तक पूछताछ हुई। इस दौरान उनसे कई तीखे सवाल भी पूछे गए। ये भी पूछा गया कि क्या वो इस महिला को जानते हैं जो सीडी में नजर आ रही है, जिसे संदीप कुमार ने साफ कहा कि वो महिला को नहीं जानते। साथ साथ ये भी कहा कि सीडी भी फर्जी है। बहरहाल, अब पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई है। इससे पहले शनिवार देर रात आम आदमी पार्टी के लिए शर्मिंदगी की वजह बने विधायक संदीप कुमार को सरेंडर करने से पहले ही धर दबोचा गया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें बाहरी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। संदीप कुमार की गिरफ्तारी पीड़ित महिला के सामने आने के बाद की गई है। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि तकरीबन 11 महीने पहले कुमार ने उस वक्त उनके साथ बलात्कार किया था जब वो राशन कार्ड हासिल करने में मदद मांगने के लिए बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में कुमार के कार्यालय गई थी। तैयारी ऐसे करी कि पहले तो मेरे को ठंडा पिलाया। अच्छा। फिर ठंडा पीने के बाद थोड़ी देर बैठा, बातचीत करा, कि राशन कार्ड बनवा दूंगा, बन जाएगा, तुम टेंशन मत लो, और क्या नाम, मेरे पास आओ बैठो। फिर उसके बाद मेरे को पता नहीं लगा। हाँ। नहीं नहीं, ये तो जांच का विषय है, वेरीफाई कौन, इतनी देर में वेरीफाई हो जाती है क्या? आप लोग बिना मेरा पक्ष जाने उल्टा सीधा जो भी चला रहे हो, ये इस देश का इतिहास, हमें जो है ना देश का इतिहास देख लो, इतिहास ही हमारा बलिदानों से बना है। जब हम लोग उठना शुरू हुए तब हमें किसी न किसी षड्यंत्र के तहत दबा दिया गया, और ये षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर विधायक संदीप कुमार पर आईपीसी की धारा 376 यानी रेप, धारा 328 यानी नशीले पदार्थ खिलाकर अपराध, आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत अश्लील वीडियो बनाना और फिर उसे सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने का आरोप,
भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7 के तहत सार्वजनिक पद पर रहते हुए बतौर घूस लेने का आरोप दर्ज किया है। इसमें हमने सेक्शन 376 आईपीसी और रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ आईटी एक्ट लगाए 376 इंडियन पीनल कोड। अब पुलिस इस पहलू पर भी जांच कर रही है कि संदीप ने और ऐसी कितनी महिलाओं का शारीरिक शोषण किया है। इसके अलावा पुलिस जांच में जुटी है कि संदीप कुमार का वीडियो शूट किसने किया, कब और कहां बनाया गया ये वीडियो, वीडियो शूट करने की वजह क्या थी, इस साजिश में कितने लोग शामिल हैं, वो कौन सा मोबाइल है जिससे वीडियो शूट हुआ, वीडियो की सीडी किसने और कहां बनाई। उस केस की अभी इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू की है। इस बीच पुलिस ने संदीप कुमार के एफ ब्लॉक वाले घर में तलाशी ली। पुलिस को शक है कि वीडियो इसी घर में बनाया गया। संदीप इस घर में अकेले रहते थे। पुलिस ने संदीप के कमरे के करीब 20 मिनट तक तलाशी ली। बहरहाल पुलिस संदीप कुमार को स्पेशल कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड की मांग करेगी। मतलब साफ है कि आने वाले वक्त में संदीप कुमार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पुनीत शर्मा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।